नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट काउंटिंग आर्सनार पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, जब हम कस्टमर को कोई प्रोडक्ट हम सेल करते हैं और उस प्रोडक्ट का हम कस्टमर को सेल इनवॉइस भी बना के दे देते हैं, लेकिन कस्टमर ने उस प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू बनी है वो उसने हमें कैश के रूप में नहीं दिया है, हालांकि उसने पेमेंट उसको ऑनलाइन UPI स्कैन करके हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो दोस्तों, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे उस कस्टमर ने हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, NEFT, नेट बैंकिंग, RTGS, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, कैश पेमेंट नहीं करी और ऑनलाइन पेमेंट कर दी, तो उस टाइप की ट्रांजैक्शन हम हमारे सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करेंगे। या आपने कई बार ऐसा देखा होगा भी कस्टमर हमें कुछ पेमेंट कैश के रूप में दे देता है और जो डिफरेंस है वो हमें ऑनलाइन स्कैन करके या नेट बैंकिंग RTGS के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस टाइप की ट्रांजैक्शन को हम हमारे टेली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ आज आपको मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी कंपनी के अकाउंटिंग टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करते हो या आप किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इन फ्यूचर ये वीडियो आपके बहुत ही काम की रहने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें उस बैंक का लेजर हमारे सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना पड़ेगा जो बैंक हमारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के साथ अटैच रहता है। जैसा कि आपने फोन पे का या फिर गूगल पे का, पेटीएम का, कोई भी आपने QR कोड है जो अपनी शॉप पे लगा रखा है, जिस बैंक के साथ वो अटैच है उस बैंक का लेजर हमें क्रिएट करना है। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, सबसे पहले उस लेजर को देख लेते हैं। तो इसके लिए लेजर की टोटल एक बार ट्रांजेक्शन के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक और लेजर। तो मैंने यहाँ पे एक SBI बैंक का लेजर क्रिएट किया हुआ है अंडर बैंक अकाउंट रखते हुए। तो अब उसके बाद में हम वाउचर पे चलते हैं और उसके बाद में हमें एक सेल वाउचर की एंट्री पास करते हैं। तो दोस्तों, अब मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आया, नाम है रमेश कुमार। अब रमेश कुमार ने आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज किया, लेकिन उसने आपकी जितनी भी वैल्यू बनती थी उस प्रोडक्ट की वो सारी की सारी उसने ऑनलाइन स्कैन करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। तो दोस्तों, अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला भी, सबसे पहले तो आप एक रमेश कुमार के नाम से एक आपको एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, वो सेल वाउचर की एंट्री पास करके कंप्लीट करना पड़ेगा। देन उसके बाद रिसिप्ट वाउचर में आपको रमेश कुमार के क्रेडिट करने पड़ेंगे और बैंक को डेबिट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है। अब मान लीजिए, अब आपके पास दिन में 500 कस्टमर आते हैं, 400 कस्टमर आते हैं, 1000 कस्टमर भी हो सकते हैं। सभी ने, मान लीजिए 1000 में से 800 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने आपको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करी, तो सभी का आपको लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपकी बुक्स अकाउंट्स में काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगी, डबल ट्रांजेक्शन हो जाएगी। एक तो आप सेल वाउचर की एंट्री पास करोगे, देन उसके बाद आप उन सभी की रिसिप्ट एंट्री भी पास करोगे, तो ये काफ़ी एक लंबा काम हो जाएगा। तो दोस्तों, इजी तरीका आपका यही है कि सबसे पहले जिस बैंक में हमारे पास पेमेंट आई है उस बैंक का पार्टी अकाउंट के नेम की जगह हम यहाँ पर उस बैंक का नाम दे देंगे। अब बैंक का नाम देने के बाद में, अब मान लीजिए कस्टमर ये भी तो बोलेगा भी उस इनवॉइस का प्रिंट हमें दो, और उस इनवॉइस पे बैंक का नाम नहीं आना चाहिए जबकि कस्टमर का नाम आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम पार्टी अकाउंट नेम में, यहाँ पर हमें उस कस्टमर रमेश कुमार का नाम यहाँ पर हमें नहीं लिखना, SBI बैंक को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पैसा SBI बैंक में आया है। आप पूरा वीडियो देखिए तब आपको प्रॉपर सही समझ में आएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर आ जाती है पार्टी डिटेल। अब पार्टी डिटेल में हमें उस कस्टमर का नाम यहाँ पर मैनुअल रूप से टाइप करना पड़ेगा, अगर वो कस्टमर आपसे सेल इनवॉइस की डिमांड करता है तो बाय नेम हम क्या रखेंगे? अब मान लीजिए आप गलती से आपसे भूल गए, SBI बैंक का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर नहीं आ रहा है या पार्टी डिटेल्स का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको F12 प्रेस करना है, देन आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा प्रोवाइड बायर डिटेल्स। तो इस ऑप्शन को यस कर लेना आपको और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर उस कस्टमर का नाम दे देंगे हम रमेश कुमार। आपको मैनुअली टाइप कर लेना है, न्यू पार्टी होगी, उसके बाद में एड्रेस यहाँ पर हम टाइप कर देंगे उस कस्टमर का, और राजस्थान अगर वो कस्टमर रजिस्टर्ड है, रेगुलर पार्टी है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर उसकी डिटेल भी मेंशन कर देंगे।
अगर उस कस्टमर को हमारे से आईटीसी क्लेम करना है तो, अगर वो इंडिविजुअल कस्टमर है, अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसी स्थिति में उसको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर देंगे और उसका स्टेट हम सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हम कुछ भी ले लेते हैं और उसके बाद में 5000, तो टोटल वैल्यू, और इसी तरीके से हमारा टोटल उसके साथ CGST टैक्स और SGST टैक्स। एंटर प्रेस करते हैं, इस वाउचर को हम हमेशा की तरह सेव कर देंगे और उसके बाद में अगर यहाँ पर हम डिटेल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रमेश कुमार ऑनलाइन पेमेंट, और एंटर प्रेस करते हुए अब कस्टमर चाहता है भी नरेशन के अंदर डिटेल पूरी आए तो यहाँ पर आप कस्टमर का पूरा डिटेल यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया रमेश कुमार सन ऑफ, जो भी है एड्रेस वगैरह आप प्रॉपर मैनेज करना चाहो तो हम कर सकते हैं आपकी सुविधा के लिए, और इस वाउचर को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति हमें क्या होगा, सबसे पहले बैंक का लेजर हम ओपन करते हैं तो आप देखो वो जो ट्रांजैक्शन, वो पैसा हमारा जितना भी था 2950 रुपये, वो बैंक में आ गया तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया। अब जब हम कस्टमर कहेगा भी इस प्रोडक्ट का मुझे सेल इनवॉइस दो, तो हम यहाँ से कंट्रोल पी की कमांड हम देंगे और प्रीव्यू हम देखेंगे, तो प्रीव्यू जब भी हम देखेंगे और जूम हम थोड़ा सा करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर कंसाइनी नेम में आ रहा है बैंक का नाम और वायर्स की डिटेल के अंदर आ रहा है रमेश कुमार का नाम, जबकि कस्टमर ये चाहता है भी हर जगह मेरा नाम ही आए, आपके बैंक की डिटेल मेरे पास नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, वापस उस बैंक को ओपन करेंगे, डिटेल के साथ जाएंगे, पार्टी डिटेल में जाएंगे और उसके बाद में ये जो हमारे पास शिप टू वाला ऑप्शन आ रहा है कंसाइनी का, यहाँ पर हम SBI बैंक को तो हटा देंगे और उसकी जगह हम यहाँ पर मैनुअल रूप से टाइप कर देंगे रमेश कुमार, और उसके बाद में एड्रेस वगैरह उसका प्रॉपर जो भी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और एंटर प्रेस करते हुए अब राजस्थान है, अब GST नंबर कस्टमर के पास है नहीं तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, और एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को हम यहाँ से करेंगे सेव। अब जब हम इसका कंट्रोल पी के साथ प्रिंट प्रीव्यू अगर हम दोबारा देखते हैं, इस ट्रांजेक्शन ओपन करेंगे, कंट्रोल पी हम करेंगे और प्रीव्यू हम देखेंगे और जूम हम करते हैं Alt+Z के साथ, तो अब आप देख रहे हो दोनों जगह बैंक नाम हटके और उस कस्टमर का नाम आ चुका है। लेकिन अगर हम लेज़र देखें कि क्या हमारी बुक्स में रमेश कुमार के नाम से कोई लेज़र क्रिएट हो गया, तो वापस हम जाके देखते हैं डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और लेज़र, रमेश कुमार के नाम से कोई भी लेज़र क्रिएट नहीं हुआ। अब हम देखते हैं GST की डिटेल भी, GSTR 1 पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्प्ले पर हम जाएंगे, स्टेचरी रिपोर्ट पर हम जाएंगे, देन GST रिपोर्ट और GSTR 1 को ओपन करेंगे। तो अब आप देख रहे हो इसके अंदर कोई भी B2B के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेशर स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाएगा भी अगर हमने बैंक सेलेक्ट कर दिया, बैंक के पास तो GST नंबर होता है भी, कहीं हमारी जो डिटेल है वो B2B के इनवॉइस में ना चली जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमने इसको जो ट्रांजैक्शन है वो अब रख दिए B2C, जैसे हम B2C पे इंटर प्रेस करेंगे टोटल ट्रांजैक्शन देखेंगे, तो अभी हमने जो 6 नंबर इनवॉइस किया था वो आप देख रहे हो उस कस्टमर का नाम भी यहाँ पर आएगा रमेश कुमार के नाम से, यहाँ पर SBI बैंक आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा और न ही वो आपकी GSTR 1 के B2B के पार्ट में बैंक की कोई डिटेल जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वो सारी की सारी हमारी URD सेल ही मानी जाएगी। हालांकि हमने बैंक के ट्रांजैक्शन के अंदर GST नंबर हमने दे रखा है, बैंकों को अनरजिस्टर्ड नहीं कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने GST नंबर बैंक का भी दिया हुआ है, उसके बावजूद भी ये B2B के ट्रांजैक्शन में नहीं गया। तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन तो थी भी अगर कस्टमर हमें उस इनवॉइस की टोटल वैल्यू ऑनलाइन पेमेंट कर देता है तो, अब बात आती है भी अगर कस्टमर हमें आधी दूरी पेमेंट करता है ऑनलाइन और आधी दूरी पेमेंट करता है कैश के साथ, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम इसी को ले लेते हैं, अब कस्टमर ने 2950 में 2000 रुपये की तो पेमेंट कर दी हमें कैश में और 950 रुपये वो कर दी ऑनलाइन, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम की जगह अब रमेश कुमार का नाम देना पड़ेगा, तो Alt+C हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर रमेश कुमार, और कस्टमर है तो सैलरी डेबिटर में रहेगा, और उसके बाद भी सारी टोटल डिटेल हम रखते हुए, कस्टमर है तो अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर में रख सकते हो आप इसको, और उसके बाद में इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। अब उसके बाद में हमारी जो बैंक की डिटेल है वो यहाँ से हट चुकी है और अब हमने रमेश कुमार के नाम से लेज़र क्रिएट कर दिया। अब हम वाउचर पे जाएंगे, देन हम रिसिप्ट वाउचर को यूज करेंगे और यहाँ से हम क्रेडिट करेंगे
रमेश कुमार को 2950 रुपये से, और कैश जो पेमेंट हमारे पास आई है, कैश आई है 2000 रुपये की, और बैंक में हमारे पास पैसा किया है 950 रुपये का। तो इस तरीके से हम इसको ट्रांजेक्शन को करेंगे, रमेश कुमार क्रेडिट, देन कैश डेबिट और SBI बैंक डेबिट। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल वैल्यू रहेगी, और एंटर प्रेस करते हुए हम इस वाउचर को यहाँ से करेंगे एक्सेप्ट। तो अब हमारा रमेश कुमार का लेजर है वो भी बराबर हो चुका है, कैश के खाते में चलेगी, और SBI बैंक के अकाउंट में हमारे पास 950 रुपये आए हैं, तो वो 950 रुपये हमारे SBI अकाउंट में आ चुके हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं भी SBI बैंक अकाउंट है वो 950 रुपये से डेबिट हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि इस ट्रांजेक्शन से, इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।